बाइक चोरियों के मामले में खंडवा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस पूरे मामले का खुलासा आज खंडवा एसपी मनोज कुमार राय ने कंट्रोल रूम में किया। जानकारी के मुताबिक पिछले कई महीनों से खंडवा शहर के कमर्शियल इलाकों और दुकानों के बाहर से लगातार बाइकें चोरी हो रही थी। इस मामले में पुलिस को एक शातिर चोर हाथ लगा है और पुलिस ने इसके पास से 17 बाइकें भी बरामद की है। मामले में जब टीआई कोतवाली टीआई पदमनगर और उनकी टीम को लगाया गया था, उन्होंने इसको पकड़ा और पूछताछ के बाद ये पता चला कि इसने पिछले 2.5 महीने में लगभग 17 मोटरसाइकिलें अलग अलग जगहों से चोरी की थी। आरोपियों से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने जहां 17 बाइक जब्त की है, वहीं चोरी की बाइक खरीदने वाले भी कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खंडवा जिले में वाहन चोरी की पिछले कई माह से लगातार घटनाएं हो रही थी और उसमें ये देखने में आ रहा था कि एक ही तरह की मॉडस ऑपरेंडी में दुकानों के बाहर से और कमर्शियल जगहों से चोरी की घटनाएं हो रही थी। इस पर से एडिशनल एसपी शहर श्री महेंद्र ताणेकर और नगर पुलिस अधीक्षक खंडवा अरविंद तोमर के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया और जितने सर्वेलेंस के हमारे जरिए हैं, सीसीटीवी और अन्य जरिए हैं, उनके माध्यम से हम लोगों ने जब सीसीटीवी फुटेज को देखा तो ये पता चला कि एक ही व्यक्ति बार बार घटना कर रहा है। उसके बारे में मुखबिरों से जानकारी जब ली गई तो पता चला कि वो मनोहर भील थाना पंधाना का रहने वाला व्यक्ति है और ये वाहन चोरी में पूर्व से भी कई मामलों में गिरफ्तार हुआ है। टीमें जब लगाई गई और उसको उसके बारे में जानकारी ली गई, जानकारी ले के उसको मनोहर को पकड़ा गया। पकड़ने के बाद उसके और उसके तीन अन्य साथियों के कब्जे से करीब 17 मोटरसाइकिलें पुलिस की हमारी टीम ने पकड़ी है जिनकी कुल कीमत लगभग 11 लाख रुपए है। पूछताछ के बाद ये पता चला है कि इसने न केवल खंडवा बल्कि बुरहानपुर और खरगोन जिले में भी वाहन चोरी की घटनाएँ की हैं। खरगोन और बुरहानपुर को भी सूचना दे दी है। इस अच्छी कार्रवाई में हमारे शहर के जो टीम ने अच्छा काम किया उनको मैं 10,000 रुपये से पुरस्कृत भी कर रहा हूँ। नहीं, अभी तो ये इनका जो तरीका था कि गाड़ी चोरी करना और उसके बाद देहात क्षेत्र में ऐसी जगहों पर बांटना जहाँ पर लोगों का आवागमन देहात में रहे शहर तक वो नहीं पहुँच पाए, इसीलिए वो इनको सस्ते दामों में ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाके बेच देते थे। अभी उस पहलू पे हम लोग इनकी जांच करेंगे और अगर कुछ इनके अन्य साथी भी होंगे या अन्य लोगों से भी संपर्क होगा तो उस पे भी फिर हम और कार्रवाई करेंगे।